7:30 का लगा रहे हो आप, 8 किलोवाट अगर उधर निकल रहा है ना जनरेटर से, तो आपको ये रोक लेगा और अपनी जो कैपेसिटी है वो आपको आउटपुट में देगा कि भाई ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे डीके स्टार ऑफिशियल। और आज बात करूंगा उन भाइयों की, उन डीजे वालों की, जो भाई कहते हैं कि मैं 2 एम्पलीफायर से जनरेटर बंद कर दूंगा। जैसा कि ये 4000 वाट हैं, किसी भाई के पास 4500 वाट हैं दो, ठीक है, जो भाई चलाते हैं। तो वो अगर ये कहते हैं ना कि मैं 2 एम्पलीफायर से 7:30 का जनरेटर बंद कर दूंगा, तो उनकी गलत फहमी है जो ना, वो दूर करूंगा आज मैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में तो फेसबुक फॉलो कर लें। 7:30 के जनरेटर पर, 7.5 किलो वाट के जनरेटर पर आपने 5 किलो वाट स्टेबलाइजर लगा दिया और जो आपने अच्छी बार लगा दिए 4000 वाट के, तो उसमें क्या होगा? पहले तो उसका सर्कुलेशन और करंट देखो कैसा क्या है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि आपने देख सकते हो, ये 7.5 KV का जनरेटर है, हर 7.5 किलो वाट का जनरेटर 8 किलो वाट में पास होता है, ठीक है। 7.5 का नहीं होता है वो, 8 का भी होता है, 8 पास होता है, ठीक है। 7.5 किलो वाट उस पर लोड दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एम्पलीफायर से नापते हो तो इस हिसाब से आप देख लो, जैसा कि आपका ये लोड है 4000 वाट एम्पलीफायर है, 4000 वाट एम्पलीफायर और लगा दिया, 8 किलो वाट अगर लोड हो रहा है, मैं 8 किलो नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि 7 किलो वाट लोड हो गया, ठीक है, या 6 किलो वाट हो गया, ठीक है। तो उसमें आप पहले तो ये देखो, 7 किलो वाट का लोड है और आपने 7.5 किलो वाट का जनरेटर लगा रखा है, और आपका मानते हैं आपका लोड जो है वो 7 किलो वाट हो रहा है, और फिर भी आपका सेटअप दम नहीं दे रहा है, अच्छा पंच नहीं दे रहा है, जनरेटर लोड ले रहा है, जनरेटर आग फेंक रहा है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो है कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हर डीजे वाले से मेरा कहना है, ये जो स्टेबलाइजर है इस पे लिखा है 5 KVA, ये लिखा है 5 KVA, मतलब 5 किलो वाट, और आपने जो जनरेटर लगा रखा है वो है 7.5 किलो वाट, ठीक है, और ये है 5 किलो वाट। एक बात बताओ, ये 5 किलो वाट का लगा रखा है हमने और 7.5 का जनरेटर लगा रखा है, तो 7.5 किलो वाट थोड़ी नहीं मिल रहा है हमारे जो एम्पलीफायर को है, वो 7.5 किलो वाट नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है 4 किलो वाट, क्योंकि ये 5 किलो वाट का लिखा हुआ है मगर ये 5 किलो वाट नहीं होता है। मैंने फुल एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, चेक करके देख लिया, जिसमें ये ट्रांसफार्मर जो लगा है वो 4 किलो वाट का लगा है, ठीक है, और इस पे हर स्टेबलाइजर पर 5 किलो वाट लिख के देते हैं। मैंने एक नहीं, करीब 10 स्टेबलाइजर हैं और 10 स्टेबलाइजर में मैंने ये चीज़ देखी है, 5 किलो वाट को लिख के दे रहे हैं और उसमें 4 किलो वाट मतलब लोड है, ठीक, 4 किलो वाट का लोड ले सकते हैं हम इससे, ठीक है। 7.5 का लगा रहे हो आप, 8 किलो वाट अगर उधर निकल रहा है ना जनरेटर से, तो आपको ये रोक लेगा और अपनी जो कैपेसिटी है वो आपको आउटपुट में देगा कि भाई ये हमारे पास 4 किलो वाट की कैपेसिटी है, 4 किलो वाट आप लो, ठीक है, 8 किलो वाट तो आ रहा है, ठीक है, 7.5 से 7.5 किलो वाट क्या समझ लो, चाहे 8 किलो वाट, अब भाई ये रोक रहा है, अब ये रोक रहा है तो ये उसको उतना ही देगा। अब यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ठीक है। आप अगर डीजे बजा रहे हो तो आपको जो जनरेटर है वो ये कह रहा है कि भाई इतने पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जो लोड है वो बीच में ये रोक रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप इसे हटाओ फिर मेरा सामना एम्पलीफायर से कराओ, फिर मैं देखूंगा कि एम्पलीफायर में कितनी ताकत है आपकी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट चला के देख लेना, 4000 के 2 एम्पलीफायर देख लेना डायरेक्ट, आपका जो जनरेटर है वो कभी आग नहीं फेंकेगा, कभी लोड नहीं मारेगा, आप खुद देख लेना, हर डीजे वाले से मैं कह रहा हूँ, आप डायरेक्ट चला के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या रोल है। मेरा कहना है कि आप कभी भी अगर स्टेबलाइजर यूज कर रहे हो तो 5 किलोवाट से ऊपर का ही यूज करें, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 KVA का, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।